नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज भारत की स्वर्णिम विजय के उत्सव का दिन है। आज का दिन पाकिस्तान की कुटिलता और घमंड के टुकड़े टुकड़े होने का दिन है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय इतिहास के सबसे तेज सरेंडर से जुड़ी है। दुनिया के नक्शे में हुए एक बहुत बड़े बदलाव से जुड़ी है। भारत के वीरों का पराक्रम ऐसा था कि एक नया देश अस्तित्व में आ गया था और भारत ने जीत के बावजूद अपनी उदारता दिखाई थी और पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा नहीं किया था। 93,000 और सरेंडर, पाकिस्तान इन दो शब्दों और इनसे जुड़ी शर्मिंदगी को कभी भूल नहीं पाया। ये शब्द पाकिस्तान की मेमोरी में 71 वाले हथौड़े की तरह हैं और इस हथौड़े की चोट हमारे पड़ोसी को हमेशा याद रहनी चाहिए। 1971 की विजय आज भी सुनहरी और गौरव से भरी है। क्यों, कैसे सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान ने हार कबूल कर ली थी और उसके दो टुकड़े हो गए थे। पाकिस्तान की इस हार और भारत की स्वर्णिम विजय का फ्लैशबैक देखना आज आपके लिए जरूरी है। हम आपको 1971 के युद्ध की सबसे भीषण लड़ाइयों के बारे में विस्तार से बताएंगे। 1971 से 2021 तक 50 साल बीत गए, लेकिन इस स्वर्णिम विजय की लौ आज भी हर हिंदुस्तानी के हृदय में प्रज्वलित है। आज खबरदार में हमारा सबसे बड़ा और सबसे गहरा विश्लेषण 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को समर्पित रहेगा। इसके बाद तीन महाद्वीपों से कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की विश्वव्यापी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अमेरिका और ब्रिटेन से लेकर भारत तक हमने ओमिक्रॉन से जुड़ी तमाम नई जानकारियों और अपडेट्स को ट्रैक किया है। हम आपको उस देश के बारे में भी बताएंगे जहां ओमिक्रॉन की दहशत के बीच बच्चों को वैक्सीन लगने लगी है। भारत में अभी अमेरिका और ब्रिटेन की तरह ओमिक्रॉन ब्लास्ट जैसी स्थिति तो नहीं आई है, लेकिन सरकार, सिस्टम और लोगों के मन में इसे लेकर चिंताएं और आशंकाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में ओमिक्रॉन से जुड़ी किसी भी खबर और जानकारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम शुरुआत पाकिस्तान को उसके इतिहास की सबसे बड़ी हार की याद दिलाकर करते हैं और 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य की सच्ची घटनाओं को याद करके करते हैं, क्योंकि आज 16 दिसंबर है और आज ही के दिन 50 साल पहले पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। आज ही के दिन 1971 की जंग में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने बिना शर्त सरेंडर किया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह ढाका के रेस कोर्स मैदान पर पाकिस्तानी सेना के सरेंडर का ऐतिहासिक वीडियो है, जिसमें भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी सरेंडर के दस्तावेज पर साइन करता दिख रहा है। 16 दिसंबर 1971 के ऐतिहासिक दिन का एक और दुर्लभ वीडियो आपको हम दिखाते हैं। पाकिस्तानी सेना के जनरल नियाजी ने सरेंडर दस्तावेज पर दस्तखत किए। ये उसके बाद की तस्वीरें हैं जिसमें पाकिस्तानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के 24,000 जवान ढाका कैंट के ग्राउंड में भारतीय सेना के सामने सरेंडर के लिए पहुंचे। भारतीय सेना के मेजर जनरल गंधर्व सिंह नागरा ने सरेंडर कर रहे पाकिस्तानी सैनिकों को भरोसा दिलाया था कि उनके साथ जिनीवा समझौते के तहत ही बर्ताव किया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने एक साथ अपने हथियार जमीन पर डाल दिए। ये भारत के लिए गर्व के पल थे और पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी। और इस तरह 1971 की जंग में पाकिस्तान के सरेंडर की सेरेमनी पूरी हुई। ये पाकिस्तान के लिए शर्म से डूब मरने का दिन था, जिसे भारत अपने विजय दिवस के तौर पर मनाता है। इस अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल यानी समर स्मारक में 1971 युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पिछले वर्ष पीएम मोदी ने यहां 4 स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित की थी। इन मशालों को एक वर्ष के दौरान देश के अलग अलग कोनों, अलग अलग इलाकों तक ले जाया गया, जिनमें 1971 युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के गांव भी शामिल थे। आज इन चारों मशालों का दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पीएम मोदी ने अनंत लौ के साथ विलय किया। विजय दिवस के मौके पर आज हमने 1971 युद्ध में भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को समर्पित एक रिपोर्ट तैयार की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शहीद वीर सैनिकों को प्रधानमंत्री की भावभीनी श्रद्धांजलि। चला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये
सिर्फ एक युद्ध नहीं था बल्कि एक नया देश भी उस वक्त बना। जीत जो है सिर्फ आर्मी की नहीं बल्कि तीनों सेनाओं की जीत थी। स्वर्णिम विजय, स्वर्णिम शौर्य, स्वर्णिम स्मरण, स्वर्णिम गाथा। 1971 पूरे एक वर्ष तक भारत से लेकर बांग्लादेश तक उस पराक्रम का जश्न रहा जब हिंदुस्तान ने दुनिया का नक्शा बदल दिया, जब 13 दिनों में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिक लाचार युद्ध बंदी बने थे। जब मैं ये 93,000 पाकिस्तान सिपाही और उनकी फैमिलीज वगैरह ले आया तो फिर मेरी फर्ज थी कि उनको संभालना, तो मैंने उनको कैंप में लगाया। आपको एक बयान, एक किस्सा बताऊं, उनको मैंने जब कैंप में लगाया 5,000 यहां, 4,000 यहां, 6,000 यहां, और मैं जाया करता था मिलने। मैं जब एक कैंप में गया तो वहां सब सूबेदार मेजर और सरदार थे, तो जब मैं गया मैंने सूबेदार मेजर साहब, पाकिस्तान सूबेदार मेजर साहब के हाथ मिलाया। मैंने कहा साहब मैं देख सकता हूं आप? कहते साहब देखे। और वही सवाल हमेशा जो मेरे जवानों से पूछता हूं वही पूछा कि साहब पलंग में खटमल तो नहीं है? कि नहीं साहब, मच्छरदानी है? मच्छरदानी, हाँ साहब। मैं लंगर में जा सकता हूं? तो लंगर में गया, वो जवान रोटी कूट रहा था जैसे अपने करते, उसमें मैं खाना टेस्ट कर सकता हूं। फिर लेट्रीन में गया, वहां पाकिस्तानी काम करता था, मैंने हाथ मिलाया। उसने इनकार किया, मैं क्यों मेरे साथ हाथ भी नहीं मिलाएगा? तो उसने हाथ मिलाया। जब हम वापस आ गए तो वो सूबेदार मेजर साहब मुझे कहते हैं कि हजूर आप गुस्ताखी माफ करेंगे? मैं कहा आप सूबेदार मेजर साहब जो मर्जी आ कहें। कहता अब हमें मालूम हो गई साहब कि आपकी फौज क्यों जीती है। आप आए, आपने हमसे पूछा खाना ठीक है, खटमल तो नहीं है, मच्छरदानी है वगैरह। हमारे साहब लोग ऐसा नहीं करते, वो अपने आप को नवाबजादे समझते। ये लड़ाई हिंदुस्तान की नहीं थी लेकिन पाकिस्तानी सेना के हाथों लाखों बांग्लादेशियों के नरसंहार ने भारत को निर्णय लेने पर मजबूर किया था। तुलना कीजिए इन दो तस्वीरों की। अमेरिकी सेना भी मानवता का युद्ध लड़ने ही अफगानिस्तान गई थी। 20 साल लग गए, उसके बाद अंतिम सिपाही सर झुकाए हार कर लौटा था। तुलना में ध्वस्त पाकिस्तानी टैंकों पर नाचते भारतीय सैनिकों को देखिए। केवल 13 दिन में पाकिस्तान को हरा कर बांग्लादेश के नागरिकों को आजाद करके झूमते हुए बाहर निकली थी भारतीय सेना। इसीलिए आज बांग्लादेश भी झूमा और इस बात को अच्छी तरह समझकर कि उसकी स्वतंत्रता में भारतीय सूरमाओं का कितना बड़ा योगदान था। As our nations develop and our friendship further deepens, let us continue to work together towards realizing the dreams of our peoples. पाकिस्तान के लिए इससे करारी हार हो ही नहीं सकती थी। उसने अपनी आधी जमीन गवाई, उसकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, दक्षिण एशिया में उसका रुतबा तार तार हो गया। उसने अपनी आधी जल सेना, चौथाई वायु सेना और एक तिहाई सेना को इस युद्ध में गंवा दिया था। उस वक्त कोई भी दूसरा देश होता तो एक पल के लिए जीती हुई जमीन की ओर देखता, विचार करता, पर यह हिंदुस्तान था। भारत ने कब्जा तो दूर, ढाका में तिरंगा तक नहीं फहराया। टाउन्स डिफेंड करेगा, सो इसलिए हम लोग प्लान किया कि वी विल बाईपास द टाउन्स। कोई टाउन नहीं हमला करेगा, हम सीधा जाएगा जाकर, सो वी बाईपास द टाउन्स इन आवर प्लान्स। So that was a key factor. We did not capture Chittagong nor Khulna, but went straight for Dhaka, bypassing all the towns. मैंने शुरू से लेकर के अंत तक मैंने देखा था वो साइन करें। हमने ये भी देखा था कि कितने पेन साइन लिखने लायक थी, जितने पेन लायक थे। अल्टीमेटली एक जर्नलिस्ट का पेन नहीं ही उन्होंने साइन किया था। ये हमारे एक जर्नलिस्ट बैठे हैं मेरे, मिस्टर सेन जो है मेरे का, उन्होंने पेन निकाल करके उसको दिया था। उसी ने पहला ये तो गोल्ड पेन का था, सेकंड आ ये पता नहीं, तीसरा पूरा
ये एक नियाजी और जगजीत सिंह साहब का सिग्नेचर इसी पेन से हुआ था। सेनाओं की तुलना करके दुनिया अपनी सूची बनाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन एक ऐसी सेना जो निर्णायक जीत दर्ज करने की युद्ध कला जानती है, जो मानवता के लिए लड़ती हो, जिसका रण कौशल अभूतपूर्व हो, वो सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना ही कहलाएगी। जय हिंद, जय हिंद की सेना। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को भारतीय सेना ने जल थल नभ हर मोर्चे पर धूल चटाई थी। भारत के वीर जवानों ने ऐसे रणकौशल का परिचय दिया कि केवल 13 दिन में पाकिस्तानी सेना के पास आत्मसमर्पण के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचा। आज हमने 1971 के युद्ध में लड़ी गई उन भीषण लड़ाइयों का रिकैप तैयार किया है, जिन्हें पाकिस्तान को भारतीय सेना के आगे घुटने टेकने पर मजबूर किया था। जवान जब ट्रेंचेस खोद रहे थे और तैयारी कर रहे थे उस प्लेन इलाके में, तब पाकिस्तान आर्मी ने हमारे ऊपर अटैक किया। पैदल सेना होकर के अपने आरसीएल गन से महज 25 मीटर से एक दुश्मन के टैंक को बर्बाद करना और उस टैंक के कमांडर को भागते हुए मारकर गिराना, ये हमारे जवानों की बहादुरी को दर्शाता है। बड़ा सक्सेस ये माना जाता है कि इसमें दुश्मन के 14 ऐसे चैफी टैंक हमने बर्बाद किए। ये पाकिस्तानी क्रूरता को दिया गया भारतीय सेना का पहला जवाब था। एक ऐसी भीषण लड़ाई जिसने शुरुआत से पहले ही 1971 युद्ध का रुख तय कर दिया था। एक ऐसी लड़ाई जो जमीन से लेकर आसमान तक लड़ी गई। एयर बैटल में दुश्मन के 2 सेबर जेट्स गिराए गए। एक ऐसी लड़ाई जिसने पाकिस्तान को इमरजेंसी लगाने पर मजबूर कर दिया। सिचुएशन क्रिएटेड बाय द इंडियन एग्रेशन इज लीडिंग द टू कंट्रीज टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एक ऐसी लड़ाई जहां पकड़ा गया था पाकिस्तान का पहला युद्ध बंदी। ये लड़ाई थी गरीब पुत्र। कदम कदम पर मौत बिछी थी। दिल्ली के जमीनी भूभाग का गहराई से पता नहीं था। कदम कदम विश्वास भरा था। जिस वक्त हमारे पलटन के जवानों को इस बात का पता चला कि हमें दुश्मन की धरती पर जाने का मौका मिला है, तो युद्ध के लिए उनकी भुजाएं फड़कने लगी। अरोरा साहब ये बात सुन के बहुत खुश हुए। वो लड़ाई के दौरान हर कदम पे जवानों के साथ खड़े थे। कहते हैं जब वो संबोधित करते थे तो मुर्दे भी अपने कब्रों से खड़े हो जाते थे। ये जांबाज कमांडिंग ऑफिसर फुल लाइट्स ऑन करके जीप में फॉर्मिंग अप प्लेस में आते हैं। 1971 के युद्ध की सबसे खूनी जंग, ये एकलौती ऐसी लड़ाई थी जहां पर एक ही जंग के लिए 3-3 महावीर चक्र प्रदान किए गए। हमारे जवानों के लिए, हमारी ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लिए एक बड़ी भारी ये गर्व की बात है कि हम लोगों को चुना गया कि बैटल ऑफ हिली को लड़ने के लिए और हिली के द्वार जो हम खोलने के लिए। हिली ईस्ट पाकिस्तान के उत्तर में स्थित था। इसका कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में और कुछ ईस्ट पाकिस्तान में था। बीच से एक रेलवे लाइन गुजरती थी। इस क्षेत्र में भारतीय आक्रमण का नेतृत्व जो ऑफिसर्स कर रहे थे वो 47 और 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटा चुके थे। अल्फा फॉर डेल्टा, हमारी पोस्ट की तरफ भारी तादाद में टैंक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवर।
आवाज ही ऐसी होती है कि पूरी धरती हिला देती है। उस टाइम पे उस 120 आदमियों जो खड़े हुए हैं उनके जहन में एक बार आया होगा कि हम जिंदा भी बचेंगे या नहीं, बट स्टिल दे डिसाइडेड कि वी विल होल्ड द ग्राउंड एंड विल फाइट। हम पीछे हटने से ज्यादा मरना पसंद करते हैं क्योंकि हमारी मातृभूमि के ऊपर कोई पैर रखे ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करने से। हमारे जवान कम थे लेकिन हमारे जवानों के जो हौसले थे वो पूरी तरह से बुलंद थे। एक जवान ने लगभग 15 से 20 जवान को अकेले फायर पावर से रोक कर दिखाया। टैंक के सामने आमने सामने अगर आप माइंड बिछाने का मादा रखते हैं, आप हिम्मत रखते हैं, इस देश के लिए हिम्मत रखते हैं, अपनी पलटन के लिए हिम्मत रखते हैं। वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तान ने जहां कदम बढ़ाए वहीं भारतीय सेना के हाथों मुंह की खाई। फिर चाहे वो अरब सागर में ऑपरेशन ट्राइडेंट हो जिसमें भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के बड़े बड़े युद्धपोतों के साथ पाकिस्तान का हौसला भी डुबो दिया था, या फिर थल और वायुसेना का ज्वाइंट ऑपरेशन तंगेल जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतिहास का सबसे बड़ा पैराड्रॉप ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। ये वो भीषण लड़ाइयां थी जिन्होंने भारतीय सेना की विजय का मार्ग प्रशस्त किया था। जिस दिन हुआ था तब तक पाकिस्तान ने कोई फैसला नहीं किया था सरेंडर करने का। ये सरप्राइज था बेसिकली। पाकिस्तान ट्रूप शायद उन्होंने सोचा होगा बटालियन ग्रुप आ गए या ब्रिगेड ड्रॉप हुआ है। केवल जीत नहीं दबदबा। जैसे ही दरवाजा खुला सबसे पहले मैं था। जब हमने नीचे देखा तो वहाँ पे कोई भी मुझे ऐसा ग्राउंड ओपन नहीं मिला जहाँ के मैं डिजिट मार्क कर सकता हूँ। ये एक ऑपरेशन आजाद भारत की इतिहास में एक लौती एयरबोर्न असॉल्ट ऑपरेशन है। दुश्मन के लिए सिर्फ हार नहीं खौफ। टू पैरा की जो पार्टी है जो रात को उन्होंने एयर ड्रॉप किया था ये पोंगलाई ब्रिज के ऊपर हमारा वेट कर रही है। पाकिस्तान सैनिकों का भारी से भारी अटैक आ रहा था बार बार और हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ये सही है कि युद्ध रणभूमि में जीते जाते हैं लेकिन आधारशिला रणनीति की ही होती है। ये पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार ऑपरेशन हुआ इतने बड़े लेवल पे। पाकिस्तान की जो सैनिक थे उनका एक्चुअली पूरा मनोबल टूट गया था और लगभग 350 लोगों ने वहीं पे बटालियन के आगे एक छोटी टोली के आगे 350 लोगों ने अपने हथियार रख दिए और सरेंडर कर दिए। मैडम प्राइम मिनिस्टर, अगर नौसेना कराची पर हमला करती है तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? एडमिरल, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? 1965 में नेवी से कहा गया था कि वो भारतीय समुद्री सीमा से बाहर कोई कार्रवाई न करें। वेल एडमिरल, इफ देयर इज अ वॉर, देयर इज अ वॉर। उन्नीस की जंग में हार मानकर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने बिना शर्त घुटने टेक दिए। भारतीय सेना ने 1971 में सरेंडर करने वाले हर एक पाकिस्तानी सैनिक को वापस उनके देश भेज दिया था लेकिन यह पाकिस्तान का चरित्र है कि उसने भारतीय सैनिकों को बंदी बनाए जाने की बात को सार्वजनिक तौर पर हमेशा खारिज किया, उन्हें रिहा करने के बारे में सोचा भी नहीं। ऐसे पाकिस्तान को जितना शर्मिंदा किया जाए उतना कम है, इसीलिए हम पाकिस्तान को 1971 की जंग वाला आईना दिखा रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर तो रहा ही, साथ ही सबसे तेज सरेंडर भी, क्योंकि सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तानी सेना ने हार कबूल कर ली थी।
इस युद्ध में पाकिस्तान को 20% जमीन से हाथ धोना पड़ा और वो दो टुकड़ों में बंट गया। पाकिस्तान की 55-60% आबादी वाला पूर्वी पाकिस्तान नया देश बनकर दुनिया के नक्शे पर उभर आया। इस तरह दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1971 की जीत भारतीय सेना के युद्ध कौशल का शानदार उदाहरण है, क्योंकि इस युद्ध में भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को हराया नहीं था, बल्कि भारतीय सेना के हाथों पाकिस्तानी सेना का सामूहिक कोर्ट मार्शल हुआ था। 1971 में भारतीय सेना का पराक्रम पाकिस्तान के गुरूर को मिट्टी में मिला गया था, लेकिन 1971 की भारत की इस जीत पर राजनीति की जंग छिड़ी रही है। 1971 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, इसीलिए कांग्रेस इंदिरा गांधी की राजनीतिक इच्छा शक्ति और साहस के बारे में बखान कर रही है। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा कि शहीदों और 1971 युद्ध के सैनिकों को याद कर रहा हूं। भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कुशल नेतृत्व में लोकतंत्र के विचार को बचाने के लिए युद्ध जीता, लेकिन जब कांग्रेस के नेता इंदिरा को याद कर रहे हैं तो पार्टी का आरोप है कि मोदी सरकार इंदिरा गांधी के योगदान को नकार रही है और उन्हें याद नहीं कर रही। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को गलत बताया और कहा कि संसद में 1971 युद्ध पर चर्चा के दौरान इंदिरा गांधी के नेतृत्व का जिक्र हुआ था। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनको मदद करना, ये पहले से भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी जी, सभी हमारे कांग्रेस के नेता काम करते आए हैं। लेकिन आज चंद लोग इंदिरा गांधी जी को भुलाना, उनके काम को एक पीछे छोड़ देना और उन्होंने जो किया है उसको याद नहीं करना, ये काम आज की सरकार कर रही है। जो भारत पाक युद्ध था 1971 का, उसमें जो जीत हुई उसका उल्लेख किया भारतीय सेनाओं का, और उस समय जिन्होंने भी नेतृत्व किया उन सबका उल्लेख किया है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में किया है। मेरे ख्याल में राहुल गांधी जी को ये लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई को देख लेना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को याद नहीं करते आप लोग, ये विषय उसमें नेतृत्व विषय आया ना, और क्या आया हुआ है। अब बात देश में तेजी से बढ़ते ओमिक्रॉन के मरीजों की। पिछले 24 घंटों में देश में ओमिक्रॉन के 22 नए मरीज सामने आए। अब ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 65 से बढ़कर 87 हो गई है। दिल्ली में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 6 से बढ़कर 10 हो चुकी है। सभी मरीजों का इलाज दिल्ली के LNJP अस्पताल में चल रहा है। महाराष्ट्र में भी मरीजों की संख्या बढ़कर 32 हो चुकी है। मुंबई में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 31 दिसंबर तक धारा 144 लगा दी है, ताकि नए साल के जश्न में लोग नए वेरियंट से सुरक्षित रहें। आशंका ये जताई जा रही है कि मुंबई में जनवरी तक केस और बढ़ सकते हैं। अगर लापरवाही होती रही तो जो हाल अमेरिका और ब्रिटेन का है, भारत में भी हालात बिगड़ सकते हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच आज एक अच्छी खबर इटली से आई है। वहां बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। कल भारत में जिस तरह से 7 साल के एक बच्चे में ओमिक्रॉन वायरस की पुष्टि हुई थी, उसके बाद देश में बच्चों की वैक्सीन की मांग तेज हो गई है। आज इटली से आई ये खबर बच्चों को लेकर बढ़ रही चिंताओं को कुछ कम कर सकती है। वैसे इटली में बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाई जा रही है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट यह दावा कर चुका है कि अगले 6 महीने के अंदर बच्चों की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन की दहशत के बीच इटली की राजधानी से आई ये तस्वीरें बहुत राहत देने वाली हैं। इटली में बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने के बाद बच्चों की वैक्सीन की मांग बहुत तेजी से बढ़ गई थी, और इसे देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मान्यता दे दी है। अब इटली में 5 से 11 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। इन बच्चों को फाइजर कंपनी की वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें पहली और दूसरी डोज में 21 दिनों का अंतर रखा जा रहा है। बच्चों की दोनों डोज की मात्रा 10 माइक्रोग्राम रखी गई है, यानी 5-5 माइक्रोग्राम की हर डोज होगी, जबकि बड़े लोगों को 30 माइक्रोग्राम की दोनों डोज लगाई जाती है। कल के मुकाबले हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत थोड़े से समय में 60,000 में से 24,000 बुकिंग हो चुकी है, और मुझे भरोसा है कि ये बढ़ेंगी। हमें बच्चों को वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन ही उन्हें और उनके परिवार को वायरस से बचा सकती है।
एक तरफ बच्चों को वैक्सीन तो दूसरी तरफ बूस्टर डोज की बढ़ती मांग। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए ब्रिटेन की सड़कों पर लगी यह लंबी लाइन बूस्टर डोज के लिए है। अब तक की रिसर्च में ये बात साफ हो चुकी है कि मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन का असर ओमिक्रॉन के सामने कम हो रहा है, इसलिए बूस्टर डोज की मांग बढ़ गई है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन में हुए कोरोना ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला दिया है। ब्रिटेन में अब तक सबसे ज्यादा 78,610 केस पिछले 24 घंटे में आए। इसके अलावा करीब 10,000 ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि ब्रिटेन की कुल आबादी लगभग 6,70,00,000 है। With the biggest vaccination Monday ever in England, and yesterday, the biggest booster day yet, with more than 650,000 boosters delivered across the whole UK. In total, we've boosted more than 45% of all adults in England, including more than 88% of those aged 70 or over. But already, the pace of rollout across the four nations is such that the UK as a whole now has twice as many boosters per head as the EU and more than twice as many as the United States. ब्रिटेन की ही तरह अमेरिका में भी लोग ओमिक्रॉन से डरे हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 36,590 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले 7 दिनों में नए मरीजों की संख्या 1,20,000 और मारे गए लोगों की संख्या 1,279 हो चुकी है। अमेरिका में सबसे खराब हालत इस समय मिशिगन में है, जहां अस्पतालों में बेड की कमी देखी जा रही है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर ना देखनी पड़े, इसके लिए सरकारें अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गई है। दिल्ली में तीसरी लहर को लेकर अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं, तो मुंबई में धारा 144 के जरिए भीड़ पर काबू करने की तैयारी कर ली गई है। हमारे पास जो नए पेशेंट आए हैं, 6 पहले थे और 4 पेशेंट्स जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव आए हैं, उसमें से 2 मेल हैं और 2 फीमेल हैं, और अभी सारे के सारे पेशेंट स्टेबल हैं। जी, कोई सीवियरिटी किसी में नहीं है? नहीं, सीवियरिटी नहीं, एक पेशेंट को थोड़ा सा गले में थोड़ा सा खराश है, अदरवाइज सारे पेशेंट स्टेबल हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, किसी को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है और अभी हमने उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा है। इन जो 4 पेशेंट्स हैं, 1 पेशेंट इज फ्रॉम यूके, 1 फ्रॉम दुबई, 1 फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड 1 फ्रॉम स्वीडन। 4 वहां से ये यात्रा करके एयरपोर्ट पे दिल्ली से हमारे पास आए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन विस्फोट को देखते हुए नए साल से पहले यानी 31 दिसंबर तक मुंबई में धारा 144 लगा दी गई है। सरकार को डर है कि कहीं क्रिसमस और नए साल के जश्न के बीच ओमिक्रॉन जैसा सुपर स्प्रेडर बेकाबू ना हो जाए। मुंबई पुलिस ने ये सख्त हिदायत दी है मुंबई वासियों को कि हर कीमत पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। अब धारा 144 लगाई गई है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि क्रिसमस सेलिब्रेशंस पर और न्यू ईयर सेलिब्रेशंस पर मुंबई पुलिस की खासी पैनी नजर रहेगी। धारा 144 लगाए जाने के साथ ही पुलिस सक्रिय हो गई। मुंबई में जगह जगह पर नाके लगाकर पुलिस ये जांच करने में जुट गई है कि शहर में पार्टियों का दौर तो नहीं जारी है और लोग मास्क लगा रहे हैं या नहीं। हो सकता है आने वाले दिनों में ज्यादातर राज्यों में धारा 144 का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से देश भर में फैल रहा है। पंकज उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर वैक्सीन बेअसर हो सकती है। इस तथ्य को गहराई से समझने के लिए ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की है, जिसमें फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन की एफिकेसी की जांच की गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार ये दोनों वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ कम कारगर हैं। इस स्टडी के लिए वैज्ञानिकों ने वैक्सीन की सेकेंड डोज ले चुके लोगों में 28 दिन के बाद एंटीबॉडी लेवल चेक किया। इसमें कई लोगों में तो एंटीबॉडीज की संख्या 30 गुना कम पाई गई, जो ओमिक्रॉन को रोकने में कारगर नहीं है। हालांकि फाइजर और मॉडर्ना दोनों ही कंपनियां वैक्सीन को ओमिक्रॉन के हिसाब से बदलने पर काम कर रही हैं। मॉडर्ना का दावा है कि 60 से 90 दिनों के अंदर नई वैक्सीन की क्लिनिकल टेस्टिंग कर ली जाएगी।
लेकिन फिलहाल ये बात साफ हो गई है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों में भी ओमिक्रॉन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि इस स्टडी को भारत से जोड़कर देखना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि फाइजर और मॉडर्ना दोनों आरएनए वैक्सीन है, जबकि भारत की कोविशील्ड और कोवैक्सीन दूसरी तकनीक से बनाई गई वैक्सीन है। इस बीच भारत में बूस्टर डोज की चर्चा शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ने देश में समाज सुधार से जुड़ा एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, यानी अब लड़कों की तरह ही लड़कियों की शादी की आधिकारिक उम्र 21 साल होने जा रही है। भारत में किसी को बालिग कहे जाने की उम्र 18 है, लेकिन शादी के मामले में लड़कों की न्यूनतम उम्र 21 और लड़कियों की 18 साल रखी गई। अब केंद्रीय कैबिनेट ने विवाह के लिए लड़कियों की उम्र भी 21 वर्ष किए जाने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। मौजूदा सत्र में ही सरकार इस विधेयक को पेश करेगी। देश में विवाह की उम्र में बदलाव 43 वर्ष बाद किया जा रहा है। इससे पहले 1978 में यह बदलाव किया गया था, तब 1929 के शारदा एक्ट में संशोधन किया गया और शादी की उम्र 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई थी। लड़कियों के विवाह की उम्र 21 वर्ष किए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2020 में लाल किले से की थी। उसी घोषणा पर सरकार अब आगे बढ़ी है। लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, इस पर जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। 10 सदस्यों की टास्क फोर्स ने जाने माने स्कॉलर्स, कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक संगठनों के नेताओं से सलाह ली थी। वेबिनार के जरिए देश की महिला प्रतिनिधियों से भी बातचीत की थी। इसी टास्क फोर्स ने दिसंबर 2020 में अपनी रिपोर्ट नीति आयोग को सौंपी थी। टास्क फोर्स का ही सुझाव था कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। सरकार के इस कदम का फायदा देश के करीब 4.5 करोड़ से ज्यादा लड़कियों को होगा। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में 18 वर्ष की उम्र की करीब 1,29,00,000 लड़कियां हैं। करीब 1 करोड़ लड़कियों की वर्ष 19 वर्ष है, जबकि 1,39,00,000 लड़कियों की उम्र 20 वर्ष है और देश में 21 वर्ष की करीब 1,94,00,000 से अधिक लड़कियां हैं। कुल मिलाकर देखें तो देश में 18 से 21 वर्ष की लड़कियों की संख्या 4,64,00,000 है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की मांग पिछले काफी समय से की जा रही थी। समाज शास्त्रियों का मानना है कि शादी की उम्र कम होने से कम उम्र में लड़कियां मां बनती हैं, जिससे मां और बच्चे की सेहत पर काफी बुरा असर पड़ता है। कम उम्र में शादी होने से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बढ़ जाती है। कम उम्र में शादी होने से लड़कियों की शिक्षा और जीवन स्तर पर भी बुरा असर पड़ता है। द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश की 2.3% लड़कियों की शादी 18 वर्ष तक पहुंचने से पहले कर दी जाती है। इस मामले में देश के गांवों की स्थिति शहरों के मुकाबले ज्यादा खराब है। गांवों की 2.6% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले ही कर दी जाती है। शहरों की 1.6% लड़कियों की शादी 18 वर्ष तक पहुंचने से पहले हो जाती है। इस मामले में सबसे खराब रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल का है, जहां पर 3.7% लड़कियों की शादी 18 वर्ष तक पहुंचने से पहले हो जाती है। 33.2% लड़कियां ऐसी भी हैं जिनकी शादी 18 से 20 की उम्र में कर दी जाती है। लड़कियों की शादी की उम्र 21 होने का लाभ क्या होगा और आखिर क्यों यह समय की मांग थी जो जरूरी है, इस पर हमने एक्सपर्ट से बात की। इसके कुछ इनहेरेंट फायदे हैं जो बहुत जरूरी हैं। एक ये है कि माँ बाप को ये होगा कि बेटी 18 साल की होती है शादी ना कर दो, पढ़ाई पे ध्यान ना दो, पढ़ाई पे ध्यान दिया जाएगा। बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो कुछ काम कर सके, नौकरी कर सके। और एक इनहेरेंट एडवांटेज जो लड़कों को था कि वो 3 साल पहले से नौकरी करने लग जाते थे, अच्छी नौकरियां ले लेते थे। अब लड़कियों को भी वो अपॉर्चुनिटी होगी कि वो भी 21 साल की होकर नौकरियां कर सके। देखिए, बहुत अच्छा फैसला है, बहुत पहले होना चाहिए था, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। उसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद लड़की अभी अपने आप रोजगार के लायक नहीं होती है, अपने पैरों पे खड़ी होने लायक नहीं होती। अब 21 साल की उम्र में ग्रेजुएट होगी कम से कम, या कोई प्रोफेशनल पढ़ाई कर रही होगी वो पूरी कर सकेगी। उसके बाद उसकी पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आएगा और वो अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी। आने वाले दिनों में भारत में लड़कियों की शादी की उम्र 21 होने जा रही है, लेकिन शादी की उम्र के मामले में दुनिया के कुछ देशों पर नजर डालते हैं। कई देश ऐसे हैं जहां शादी की उम्र आज भी 18 साल से कम है। यूरोपीय देश एस्टोनिया में जहां शादी की आधिकारिक उम्र 15 वर्ष है, लेकिन ऐसा करने से पहले माँ बाप से अनुमति लेनी होती है। स्पेन भी शादी की न्यूनतम उम्र 14 से 16 वर्ष करने पर विचार कर रहा है। इंग्लैंड और वेल्स में शादी की उम्र 18 वर्ष है, लेकिन माँ बाप की अनुमति से 16 या 17 वर्ष की उम्र में भी शादी की जा सकती है। ट्रिनिडाड और टोबैगो में कुछ लड़कियों की शादी 12 वर्ष की उम्र में भी कर दी जाती है, जबकि शादी की आधिकारिक उम्र 18 वर्ष है।
अमेरिका में अलग अलग राज्यों के हिसाब से शादी की उम्र तय की गई है। अमेरिका में शादी की उम्र 19 से 21 वर्ष के बीच है। चीन में शादी की आधिकारिक उम्र लड़कों के लिए 22, लड़कियों के लिए 20 वर्ष है। नाइजर में शादी के लिए लड़कों की उम्र 18, लड़कियों की उम्र 15 वर्ष तय है। इसी तरह जापान में शादी करने की आधिकारिक उम्र 20 वर्ष है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज। आज तक।